स्नेहाल गवारे की हत्या की डिटेल कहानी बताने जा रहे हैं। एक दिन जून के महीने में स्नेहाल अपने दोस्तों साथ ट्रैकिंग पर जाती है और कई दिन खूब मजे करती है, लेकिन उसी दौरान स्नेहल का पैर का अंगूठा चोटिल हो जाता है और उसे हॉस्पिटल लेके जाया जाता है और उसे पूरे 1.5 महीने का आराम बोला जाता है। फिर स्नेहाल घर पर आती है और करीब 1 महीने से आराम पर होती है। उसकी माँ 11 बजे अपनी नौकरी पर जाती है। फिर जब उसकी माँ घर वापस आती है तो वहाँ स्नेहाल नहीं होती। सुबह जब अभी उठते हैं तो स्नेहाल की माँ की नज़र बेड के नीचे पड़ी बॉटल पर जाती है और वो बॉटल स्नेहाल की होती है और वो बेड के बॉक्स में पड़ी होती है। तभी उसकी माँ बॉटल उठा के वापस बेड के बॉक्स में रखने लगती है और जैसे ही वो बेड का गद्दा उठाती है तो वो जो देखती है, उसके देखने के बाद वो बहुत जोर से चीख मारती है, वो बेहोश हो जाती है।